दिनेश हैं अगले कॉलर लखनऊ से। स्वागत है दिनेश जी। जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय बहुत कम है, सवाल करिए अपना। जी हमको शुगर हो गया है। कितने साल हो गए? जी कितने साल हो गए? अभी 6-7 महीने हुए हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? एज है 60 साल। ठीक है जी। और देखिए अभी 5-6 महीने हुए हैं तो आप पूर्ण रूप से ठीक भी हो सकते हैं। हिदायतें सुन लीजिए। आपको 1 घंटा पैदल चलना है धूप में, या उससे ज़्यादा हिम्मत है तो आप उससे ज़्यादा चलिए, ठीक है। 5 बार गर्म पानी पीना है, खूब गर्म, जैसे चाय की तरह चुस्की लेके 5 बार। उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जितनी आपकी खुराक है उससे आधी कर दीजिए। अगर 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाया करिए, एक ये, और जैतून का सिरका सुबह शाम पानी में मिला के, छोटे टीस्पून 2-3 चम्मच पानी मिला के पी लिया करिए। अभी बहुत गुंजाइश है, आप जल्दी करें, हो सकता है आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, अभी बहुत गुंजाइश। एमपी से दुर्गेश है हमारे साथ, स्वागत है आपका, सवाल करिए जल्दी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मुझे एलर्जी होती है सर्दी जैसी, मतलब मैं कुछ मतलब पंखे में भी सोता हूँ, कूलर में भी सोता हूँ, फिर भी एलर्जी होती है, छींक वगैरह आती है, मेरे को उससे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 ईयर। 17 ईयर्स जी। बेटा बहुत ख्याल रखिए, टाइम बहुत कम है, बहुत ख्याल रखिए अपना, गर्म पानी पिया करिए, बाहर की चीज़ें वेफर्स वगैरह 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 मत खाया करिए, और माजून आर केयर सुबह शाम खाइए, निहार में, और रात को सोते वक्त गर्म पानी से, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, तो 5-6 महीने अगर इलाज आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ आर्यन है मुंबई से, स्वागत है आर्यन आपका। जी नमस्कार, हिंद सर से बात करनी थी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आदाब आर्यन साहब जी। मैंने अपने फादर के लिए दवाई मंगाई थी, पूरा लॉकडाउन उन्होंने इलाज कराया, उसके बहुत रिलीफ हुआ है उनको। अच्छा, किस लिए मंगाई थी? एलर्जी प्रॉब्लम थी उनको, खांसी जुकाम नजला और गले में और कफ की शिकायत थी सारी। अच्छा, कौन सी दवा ली थी आपको? लगभग ठीक हो गए वो, माजून आर केयर आपने बताया था। जी जी जी। और कोई सवाल है आपका? जी सर, अपने बारे में एक और सवाल था जी। मेरे को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर का कुछ भी खाता हूँ तो मैं 2-3 दिन तक है ना रात का खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खाता हूँ तो फिर मैं लेट नहीं पाऊंगा, मुझे बैक होती है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? 26। अच्छा बेटा देखो, बहुत ही अच्छा किया कि आपने फीडबैक दिया, हमें बड़ा हौसला मिलता है, और मैं कहता हूँ कि माजून आर केयर एक ऐसी इम्यूनिटी की दवा है जो खांसी नज़ला बलगम छीके और इम्यूनिटी की कमी को पूरा कर देती है, लेकिन इसे 4-5 महीने खाते हैं, तो आपने पूरी टाइम भी खिलाया और आपके पिताजी ठीक हो गए, मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद और मेरा सलाम कहिए, और आप भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा लंबा इलाज करना। कुछ लोग ना 1 महीने में ठीक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वो रोग आ सकता है, फिर उसमें हमारी बड़ी बदनामी है। तो देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आप ले लीजिए सौंफ, आंवला, मेथी, 200-200 ग्राम खरीद लें, घर में पाउडर बनाएं, सौंफ आंवला मेथी, और 100 ग्राम आप ले लीजिए ये आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, ये रसायन होता है जैतून का, इसको 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, आप देखें कि आपको पहले ही दिन से फ़ायदा शुरू हुआ और ऐसा लगेगा कि आप 1 हफ्ते में पूरे अच्छे हो गए, लेकिन आप इसे पूरा ख़त्म करके ही चैन लें ताकि दोबारा से ये रोग वापस ना आ सके। मोनिका मुरादाबाद से, स्वागत है मोनिका जी। हाँ जी मैम, मैं मोनिका बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। सर नमस्ते। आदा सर, का मैंने बताया हुआ स्किन का एक इलाज था सोडा, तो चुटकी भर सोडा मैं रोज सुबह शाम ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे जो स्किन पे हाथों की तरह ब्लैक हो गया था वो सही हो गया है, काफी हद तक चला गया।
लेकिन मैं सोच रही थी, सर बता रहे थे कि ये गोंद मोरिंगा लेने से भी चेहरा साफ होता है, तो क्या मेरी एज 40 साल है, मैं ले सकती हूँ? बहुत प्यारी बच्ची हैं आप और आपको भगवान ने फायदा भी दिया। अच्छा ये एक ही चुटकी एक बार लिया करिए, बस दो बार नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी इन नुकसान भी दे देता है। इसकी तादाद एक ही चुटकी है। और गौंद मोरिंगा लें तो याद रखें, गौंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है, लाल वाला भी आता है वो नकली होता है, नुकसान देता है। तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद लेंगे तो ये चेहरे की ताजगी लाता है, छीपे दूर करता है, बालों को बढ़ाता है, और महिलाओं के लिए भी और दूसरे मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अच्छा है। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी तादाद आधा ग्राम है, आधा ग्राम एक बार या ज़्यादा ज़्यादा दो बार लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से अगले कॉलर रमेश ना हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। मैंने ना पेट की तकलीफ है जी। कब से? बुला बुला सा पेट रहा। आपको पेट की तकलीफ है और बहुत ज़्यादा है, तो एक नुस्खा बना लीजिए। सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम। फिर बोलता हूँ, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और 100 ग्राम रसायन आता है एक जैतून का रसायन, इसे जैतून का नमक भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये 100 ग्राम खरीद के पाउडर बना लें इन सब के साथ, और आधा आधा चम्मच 2 से 3 वक्त तक खाया करें, आपकी पेट की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। कॉलर राम प्रसाद जी सहारनपुर से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। आदाब जनाब, बताइए क्या सवाल है? अजी सर, वो दमे की दवाई तो मैं आपसे खा रहा हूँ, मेरे पेट में पेट का सबकी सारी सिस्टम खराब है, और पीछे नीचे पेशाब में पेशाब के ऊपर भी दर्द होती है, पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, और कुछ तो नहीं कहना भाई? यही है, साइडों में दर्द हो जाती है, नहीं तो पेशाब के ऊपर हो जाती है, पेशाब बहुत ज्यादा आती है, पेट मेरा बहुत खराब रहता है, समझ तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, भूख भी नहीं लगती। ठीक है, ये दवा तो रोकना नहीं, आप 5-6 महीने लगेंगे इसमें फायदे के लिए। अगर पेट की और पेशाब की समस्या है तो एक आता है कलौंजी का नमक, इसे रसायन कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, 100 ग्राम खरीद लें और 2 चुटकी सुबह, जितनी चुटकी है यानी आधा ग्राम करीब, 2 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, एक बार या दो बार, तो ये फौरन आपको फ़ायदा शुरू करेगी। और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपके रोग के लिए काफ़ी होनी चाहिए। कॉलर यूपी से अनस, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए। सर क्या नाम है? मेरे पापा को डायबिटीज है। कब से? वो डायबिटीज तो 4-5 साल हो गए। और लेकिन पापा का राइट हैंड पूरा ऊपर नहीं उठता है, मतलब आधा है, और डॉक्टर को दिखाया था एलोपैथिक में तो उन्होंने कहा था कि शायद वो डायबिटीज की वजह से ये नहीं उठता है। अब लेफ्ट हैंड में भी पेन होता है, तो अब वो भी हाथ पूरा नहीं उठ रहा है। ठीक है बेटा, डायबिटीज पर नजर रखें, और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक दवा बताता हूँ, वो आप करें। और देखिए ये रोजाना 3 मिनट उनको करना है, ये कान मोंढे के पास आए, मोंढा नहीं उठाएं, ऐसे 3 मिनट करना है, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो रोज़ाना 3 बार में 6 बार में कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे 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 ये आप लगातार 10-15 दिन करें। और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम नाश्ते के बाद पानी से लें, डायबिटीज का ख्याल रखें, तो आपके वालिद ठीक हो सकते हैं। दिल्ली से अगले कॉलर इंदर कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? कमर दर्द करते बहुत ज्यादा। कमर जी। कितनी उम्र है और कब से करते हैं? 18 साल है उम्र।
18 साल में दर्द करते हैं कमर की ये हिम्मत, आप कोई अगर ऐसा गेम खेलते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या स्पोर्ट्स में भाग दौड़ का कुछ करते हैं उसे फौरन रोक दीजिए और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लगातार कई महीने तक खाइए। वजन बिल्कुल मत उठाइए, आपका ठीक होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से, एटा से हैं हिमांशु जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बताइए सवाल। नमस्कार हकीम जी। आदर जी। हेलो जी, मुझे मेरी माता जी के बारे में बात करनी थी। उनको वेरिकोज वेन्स की परेशानी है और उनको एसिड काफी बनता है और रात को तलवों में जलन होती है जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। एज क्या है उनकी? उनकी एज है 57 साल। ठीक है। देखिए, उनका जलन जा सकती है और दर्द भी जा सकता है। अगर वेरिकोस वेन फूली हुई हैं तो वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तकलीफ जा सकती है। अगर आप चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम उन्हें देना शुरू करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर वगैरह नहीं है तो जूस से दें, और वेस्टर्न टॉयलेट का घर में इंतज़ाम करें अगर नहीं हो। वैसे तो होना चाहिए, जिस तौर पर, जिस अंदाज में आपने बात की, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, तो उसका उपयोग करें और 4-5 महीने इलाज करें तो मम्मी का आपके ठीक होना। हमारे साथ शिवाजी हैं महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो सर। हाँ हकीम सर, नमस्ते जी। आदाब शिवाजी। हाँ हकीम सर, मैंने ना मुझे 15 साल से गठिया की तकलीफ है सर जी। तो मैं आर केयर गोली अभी 45 दिन हुआ, आज परफेक्ट 45 दिन हुआ खा रहा हूँ। तो मुझे ना 45 दिन तक कुछ तकलीफ नहीं हो गई, लेकिन अभी 4-5 दिन हुआ तकलीफ चालू हो गई थोड़ा थोड़ा। तो मैं आर केयर खा रहा हूँ सर, और पी केयर खा रहा हूँ, पेट की थोड़ी समस्या है 2 टाइम, और आर केयर 2 टाइम, और अभी जॉइंट फोल्ट मैं खाऊ क्या नहीं इसके साथ? ठीक है। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा देर से काम शुरू किया है आप पर दवाई ने, क्योंकि काफ़ी पुराना मर्ज था, और ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, और जॉइंट फोर्ट खाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों दवाएं आप खा सकते हैं, और जॉइंट फोर्ट इसके साथ खाने की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बस ये है कि दवा ने ज़रा सा देर से काम शुरू किया है, अब आप थोड़ा सब्र करें और 5-6 महीने इलाज करें, और मुझे उम्मीद है कि आपका अगला फोन फायदे के लिए जरूर आएगा। पीछे अगले कॉलर हैं अभय शर्मा हमारे साथ, स्वागत है अभय जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। जैसे हम कुछ भी खा पी रहे हैं सर, थोड़ा शरीर में लग नहीं रहा है। हाँ जी। अखरोट क्लास भी लेकर आए हैं, मंगाए हैं, वो भी खाए कुछ भी, आज 21 दिन हो गया सर। अच्छा, खाया पिया आपको लग नहीं रहा? जी। और क्या दिक्कत बताई आपने? और कोई दिक्कत नहीं, यही है बस, थोड़ा शरीर से दुबले पतले है, हमारी तंदुरुस्त नहीं है, थोड़ा दिन ढाल वाला नहीं है। जी। एज कितनी है? एज कितनी है आपकी? हमारा 24 साल। 24 साल जी। ठीक है। देखिए बहुत आसान इलाज है, अगर आप कर लें, एक रोजाना नारियल पानी खरीदें, और इसमें एक आता है गॉन मोरिंगा सफ़ेद यानी वाइट, इसमें भी बड़े नकली वकली आते हैं, तो गॉन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, वाइट वाला, तो इसको 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, इसको पाउडर बना लीजिए, एक नारियल पानी और आधा ग्राम गॉन मोरिंगा रोज़ाना एक बार पिया करें। जो खाएंगे आपके बॉडी को लगेगा, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके चेहरे पर शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये आप लेना शुरू कर दें, आपको फायदा मुमकिन। कॉलर हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम आगरा से। आपका सवाल? मैम मेरी एड़ियों में दर्द ज्यादा रहता है। कब से ये तकलीफ? ये 1-2 महीने से। एज क्या है आपकी? 27। ठीक है हरीश साहब, ये आगे जाके बढ़ सकता है तकलीफ, और इसके लिए आप एक आता है गौंसिया,
गौन स्या, एक काला रंग के गौन जो बहुत कड़वा होता है, कुछ ज़्यादा ही कड़वा होता है। इसको 100 ग्राम कहीं से असली ख़रीद लें। अगर असली मिल गया तो आप ये 100 ग्राम गौन खरीदेंगे, इसके ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। दिल्ली से अगली कॉलर शीला हमारे साथ हैं, स्वागत है शीला जी। हाँ जी, अकेले जी नमस्ते जी। शीला जी यादव, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरी उम्र 60 साल है। आपसे मेरी 20 दिन पहले लाइव बात हुई थी, तो आपने बालों के लिए गोंद मोरिंगा बताया था, नारियल पानी के साथ, और घुटनों के लिए गोंद बताया था। दोनों मैंने आपकी क्लिनिक मतलब करोल बाग से मंगवा ली है, ले भी रही हूँ कि घुटनों में काफी फर्क पड़ा है, और उम्मीद भी है मैं सही हो जाऊंगी पूरी तरह। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरा सवाल है जी, मेरी शुगर बाबा बॉर्डर पे आ जाती है, बाबा होते होते मैं बच जाती हूँ। तो आप जो जैतून का सिरका बताते हैं, तो ये जैसे खट्टा होता है, तो इन नुस्खों के साथ मैं अभी ले सकती हूँ या नहीं? और दूसरा जैसे डाबर च्यवनप्राश होता है, दही होता है, ये भी खट्टे होते हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं? बालों पर फायदा होने में एक महीना नजर आता है, एक महीना या उससे ज्यादा, इस पे जरा देर से फायदा होता है, लेकिन गौनसिया ने आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, और आप देखेंगे कि ये खत्म होने से पहले आपका तमाम दर्द कहाँ गया आप खुद नहीं बता पाएंगी। वो ख्याल रखना जो मैं कहता हूँ, अक्सर वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए, और ज्यादा मेहनत नहीं करें, क्योंकि 60 साल के हैं आप। डायबिटीज का आप बहुत ख्याल रखें, अगर आप घुटने ठीक हो जाएं तो 1 घंटा ज़रूर चला करें, अगर अभी नहीं चल सकते तो 15 मिनट करके चलें तो भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा चलना, वो भी धूप में। अगर नहीं चल सकते तो धूप में खाली बैठ जाइए, 5 बार गर्म पानी पीजिए, और आप वो ले सकते हैं जो जैतून का सिरका, आप एक टाइम रात को ज़रूर लिया करिए, अभी आप बच सकते हैं डायबिटीज से। अगर हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है, तो एक टाइम आप ले लीजिए और खुश रहा करिए। पंजाब से निशा हैं हमारे साथ, स्वागत है निशा जी। नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। मैंने ना घुटनों के दर्द के लिए ना काला गौन मंगवाया था। ठीक है तो वो मुझे मिल गया, लेकिन जब शुरू भी नहीं किया था उससे पहले मेरे को कुछ और बीमारी निकली अचानक, एक तो रिचौली निकली है, और पिट्टे की थैली में पथरी आई है, और थोड़ा शुगर भी बढ़ा हुआ है। तो फिर अब क्या करूँ, उसको शुरू करूँ या ना करूँ? हाँ देखिए, सबसे पहले तो पित्त की पथरी पर तवज्जो दें, क्योंकि ये अगर बड़ी है तो इसका ऑपरेशन ज़रूरी है, और ये बेचैन लगती है, कुछ भी खाओ एकदम एसिडिटी, गैस और बेचैनी, तो उस पर उसका करिए, और ये खाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो पेट में, तो अभी रोक भी सकते हैं उसे, और पित्त के पथरी का ज़रूरी है आप जो भी करें। अगर छोटी है तो देखिए निकल भी सकती है, 2-3 mm की है तो निकल सकती है। जैतून का सिरका 3 चम्मच और जैतून का ऑयल 3 चम्मच अगर पानी में मिला के रोज़ाना एक बार खुराक ली जाए, एक बार, और 1 हफ्ते तक ली जाए, अगर छोटी पथरी है तो उसको निकलना मुमकिन है। यूपी से सोना जुड़ी हैं, स्वागत है सोना जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी यादव। सर मुझे अपनी मामा के बारे में पूछना था, उनके पैरों में बहुत ऐठन होती है। एज क्या है उनकी? उनकी एज 34 साल है, पैरों में रस्सी बांधते हैं, बहुत ज्यादा ऐठन होती है जी। हाँ देखिए, सोना में एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ आपको जो बुजुर्गों के लिए सोना कहलाता है। बहुत ही अच्छा किया आपने अपनी मम्मी के लिए फ़ोन किया। देखिए, एक तो हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो लगवा लीजिए, नहीं तो ये बढ़ती जाएगी, और कभी कभी ये तकलीफ इतनी बढ़ती है कि मैंने बिल्कुल जवान लोगों को रोते हुए देखा आंसुओं से। मैं जितना इस बीमारी के बारे में जानता हूँ, ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, होता क्या है सोना के हमारे दर्द या खिंचाव या ऐंठन पिंडलियों में या टांगों में या पैरों में होती है, और हमारा मर्ज कमर में होता है, ये डिस्क में रग दब जाती है, हिप से ऊपर जो डिस्क है 5L1 से लेकर L5 तक। तो आप अगर MRI कराएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ रग दबी हुई है, तो इसके लिए वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है।
नहीं, या तो गोंद सियाह मिल जाए आपको असली, तो आधा आधा ग्राम दोनों टाइम नाश्ते और खाने के बाद मम्मा को दें, इसे ज़्यादा न दें। और ये लेकिन असली लेना, कड़वा होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है और नकली बहुत होता है, तो असली लेना, तो आपकी मम्मी की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। ऑपरेशन की तरह मत जाना जब तक कोई यूनानी दवा इस्तेमाल ना कर लें।